वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी डिस्कशन का टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एक डिसऑर्डर हम स्टडी कर चुके हैं, दैट वाज डाउन सिंड्रोम। अब आज की डिस्कशन का टॉपिक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो था वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर था, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है यह सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। वहां ऑटोसोम्स में प्रॉब्लम थी, ऑटोसोम इंक्रीज हो रहे थे। 21st क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता था, उसको हम ट्राइसोमी 21st भी कहते थे। लेकिन यहां पर क्या है, ऑटोसोम्स तो नॉर्मल हैं, बट एबनॉर्मलिटी कहां पे आ गई है, एबनॉर्मलिटी यहां पर सेक्स क्रोमोसोम में आ गई। यहां पर ये मेल बन रहे हैं, बट इनमें कुछ फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम सब चीजें स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि इनमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 है। नॉर्मली मेल में क्रोमोसोम्स टोटल कितने होते हैं, 46, लेकिन इनमें क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनमें कितने हैं, 47। पहली बात, व्हाट अबाउट ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स इनमें नॉर्मल 44, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम एज यूजुअल मेल में एक्स एंड वाई, यानी दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर 3 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम है और 1 वाई क्रोमोसोम है। तो इस तरह से टोटल क्रोमोसोम्स कितने बन गए, 47। इसमें क्या हो जाता है, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स वाई भी लिख सकते हैं। ये इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है, 44 आर ऑटोसोम्स एंड 3 आर द सेक्स क्रोमोसोम, उसमें भी 2 एक्स क्रोमोसोम और 1 वाई क्रोमोसोम। स्टूडेंट्स काज क्या है, क्यों ये ऐसा हो गया, ये ऐसा इसलिए हो जाता है। प्रीवियस वीडियो में भी ये सब चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, और वी कैन से दैट ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस के दौरान क्या हो जाता है, क्रोमोसोम की डिसजंक्शन नहीं होती है प्रॉपरली, उसको नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिए, देखिए अगर हम फीमेल की बात करते हैं और यहां से हम मेल की बात करते हैं, मोस्टली मैं ऑटोसोम्स तो नहीं यहां दिखाऊंगा, मैं सिर्फ वही चीज दिखाऊंगा जहां पर प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम देखिए, फीमेल में जीनोटाइप होता है एक्स एंड एक्स प्लस होते हैं, 44 ऑटोसोम्स, वो मैं यहां पे मेंशन नहीं करूंगा। इस तरह से मेल में क्या होता है, एक्स और वाई होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम सेग्रीगेट प्रॉपरली हो चुके हैं। लेकिन फीमेल में क्या हो गया है, ये जो एग बन गया है इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम आ गए, यहां पर डिसजंक्शन नहीं हुई। उस केस में क्या हो गया, ये हमारा ओ बन गया, ये ओवा था, ये नॉर्मल स्पर्म था, ओवा के साथ नॉर्मल स्पर्म फ्यूज हो जाएगा तो कुछ और बन जाएगा, ये नॉर्मल स्पर्म था, ये वाई, ये एक्स एक्स और ये वाई, क्या हो गया, एक्स एक्स और यहां से वाई आ गया, तो ये एक एबनॉर्मल इंडिविजुअल बन गया, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला इंडिविजुअल बन गया। या कंडीशन ऐसे हो सकती है, मेरे कहने का मतलब है, या फीमेल के केस में ओवा जो होगा वो डबल एक्स वाला बन जाएगा, यानी एक्स एक्स क्रोमोसोम वाला बन जाएगा, या मेल में क्या होगा, मेल में प्रॉपरली डिसजंक्शन नहीं होगी। यहां पे क्या होगा, मेल बनेगा एक्स और वाई वाला स्पर्म बनाएगा, और यहां पे मानो फीमेल में नॉर्मली एक्स और एक्स क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो भी गए, उस केस में क्या होगा, ये एक्स और ये एक्स एक्स, ये एक्स 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 एंड वाई क्रोमोसोम फ्यूज हो जाते हैं, ये भी उस वक्त नॉर्मल नहीं बल्कि टर्नर सिंड्रोम वाला इंडिविजुअल बन गया। स्टूडेंट्स आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा किस तरह से ये प्रॉब्लम हुई। यहां पे यही चीज मेंशन की है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड नॉर्मल नॉर्मल स्पर्म हो सकता है, एक्स या वाई हो सकता है, या क्या है, नॉर्मल एग विद एबनॉर्मल स्पर्म, एबनॉर्मल स्पर्म एक्स और वाई वाला स्पर्म हो सकता है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ व्हाट अबाउट सिम्टम्स, सिम्टम्स कैसे हैं, ये कैसा इंसान दिखता है, ये दिखेगा मेल बट इट इज ट्रायल मेल, टेस्टिस आर रूडिमेंट्री, वेरी मच रिड्यूस्ड,
इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द स्पर्म, स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं करेगा, मेंटली रिटार्डेड होगा, लॉन्ग नेक्स, लॉन्ग लेग है इसमें, इस तरह से बार बॉडी इज देयर, और दूसरी बात ओबेसिटी, और खास बात यह है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट इनमें हुई है, क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम है ना, तो एक वाई क्रोमोसोम है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, और उसको कहते हैं गाइनोमेस्टिया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट में इसमें हो चुकी है, उसको गाइनोमेस्टिया है। स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियो पहुंचे। थैंक्स।